आपके लोग इस जालिया नगर में आबाद न हो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ जिस मिशन को आप लेकर चले हैं, सालारे मुंबत लेकर चले थे, जिस तरह आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कच्छ से लेकर केरल तक अपनी अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, मजलूमों का साथ दे रहे हैं, पार्लियामेंट से लेकर सड़क बनवा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जामिया के मायनाज लोग, जामिया नगर के लोग आपको मायूस नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपका साथ देंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, कहा था कि जुर्मे सही थी तकदीर के काजी का, ये फतवा है अजल से, है जुर्मे सही थी की सजा मर गए मफाजा, आज मैं तीबे मिलना कौन को मजबूत करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में निकल आए हैं। मेरी आपसे अपील है, लोग सेकुलरिज्म के नाम पर वोट मांगने में आपसे, आपको ये बता दूं, आप तारीख का मुताला कीजिए कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के 9 सदस्य थे, मौलाना आजाद, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली, हकीम अजमल शाह, डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब, ऐसे मायनाज लोग सदर गुजरे हैं। लेकिन जब मुल्क आजाद हो गया तो कांग्रेस का सेकुलरिज्म रंग लाया, आज तक एक भी मुसलमान सदर नहीं हुआ है। मुलायम सिंह जब जाते हैं कल्याण सिंह से मिल जाते हैं, साक्षी महाराज से मिल जाते हैं, और तीसरे दिन उनका बेटा बहु योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच जाते हैं। ये चेहरा है सेकुलरिज्म का इस ग्रुप में, उन्हें हर पार्टी का लीडर उन्हें मंजूर है, सोनिया गांधी कांग्रेस की लीडर मौजूद मंजूर है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, बीएसपी की मायावती, देवगौड़ा, नीतीश कुमार, अब सारे लोग उन्हें मंजूर है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी किसी पार्टी का सदर है तो वो पार्टी कमनल है, ये मुल्क का सेकुलरिज्म है, इस सेकुलरिज्म का करारा जवाब हमें देना है और ये साबित करना है कि हमें अपनी ताकत बढ़ानी है। मेरे किसान के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, मैं काम का रहने वाला हूँ, लाला का मकान था, चालीस साल पहले ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की शक्ल में थी, महाजनसंघ का इलेक्शन आ गया, लाला से लोगों ने पूछा कि लाला आपने कहाँ वोट डाला, उन्होंने कहा कि मैंने तो साथ दीपक को वोट दिया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का निशान दीपक था। लोगों ने ताज्जुब से कहा कि लाला तुम तो अपना वोट गड्ढे में डाला है, उसे तो कोई नहीं पूछ रहा। नाना ने 40 साल पहले जवाब दिया कि मियां मुझे मालूम है कि मैं अपना वोट गड्ढे में डाल कर आया हूँ, लेकिन मियां ये रंग लाएगा किसी भी ये किसी दिन को गड्ढा भरेगा, नरेंद्र मोदी कुछ लेकर गया कि हमारा 25 करोड़ की इतनी बड़ी उम्मत की बात होती है। 2002 में गुजरात में प्रयोगशाला तैयार हुई, क्या हम कोई अपनी लेबोरेटरी नहीं बना सकते, क्या हम कोई प्रयोगशाला नहीं बना सकते? दिल्ली की 9 सीटों को प्रयोगशाला बना लीजिए कि हम अपनी सियासी खुदमुख्तारी के लिए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन और गैर सरासत की मौके की बात के नाम पर बोल डालेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये हुआ आएंगे, हालात बदलेंगे, इलाके बदलेंगे,
تک اس جالیہ نگر کی تصویر ایک شیر سے دیکھا چاہتا ہوں. بہت سنگنا عامر صاحب جو علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے ان کا مشہور شعر ہے, ایک دو زخم نہیں جس میں سارا چلنی, یہ ہے ہمارا علاقہ. ایک دو زخم نہیں جس میں سارا چلنی, درد بے چارا پریشان ہے کیسے جیے. شکریہ, بہت بہت شکریہ دوستوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوش و جذبہ